बॉलीवुड में लाइफ पल पल रंग बदलती है। कुछ लोग ऊंचाइयां हासिल कर लेते हैं तो कुछ के हिस्से में सब कुछ होकर या मेहनत करके भी नाकामी हाथ लगती है। इस वजह से उनकी जिंदगी बेहद मुश्किल दौर से गुजरती है। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको रोना आ जाएगा। ये कहानी है सावी सिद्धू की, जिनका 5 मिनट लंबा वीडियो फिल्म कंपेनियन के यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि सावी सिद्धू कौन है। आपको बता दें कि गुलाल, पटियाला हाउस, ब्लैक फ्राइडे जैसे फिल्मों में काम कर चुके एक एक्टर हैं, जो अब अपनी जिंदगी का गुजारा मुंबई में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके कर रहे हैं। मैं मुंबई आया था जी, मुझे फिल्म्स का शौक था जी, और मुझे आते ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा काम मिलने लगा, लेकिन मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई। हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो गई कि कन्वर्ट हो गई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी जी। मेरी वाइफ भी बीमार है, वो मुझे सब सपोर्ट था ऐसा कुछ जी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी खत्म हो गई, पैसा खत्म हो गया, तो मेरा लास्ट रिसोर्ट ये था, क्योंकि इस लाइन में आजकल कॉम्पिटिशन इतना है, आप अगर हेल्दी नहीं है, इट इज़ लाइक स्पोर्ट्स यू नो, फिल्म इंडस्ट्री का भी जी, तो हेल्दी होना इस बिग इशू है ना हेल्थ आजकल, आप देख ही रहे होंगे जी, तो बड़े बड़े अपने स्टार्स को, तो हेल्थ मेरी हेल्थ ही एकदम ख़त्म हो जाए तो मैं आई कुडंट डिलीवर। काम की कमी नहीं थी मेरे को, बिल्कुल काम की कमी नहीं थी। आई वर्क विद अनुराग कश्यप, निखिल अडवाणी, यशराज, सुभाष जी, रोहित शेट्टी, इन नेम जो भी आप बड़े हैं, और मैंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी किया है जी, यूरोपियन गिरीश मलिक है उनके साथ किया, अच्छे मतलब काम की कमी नहीं थी मेरी हेल्थ में, मैं फिजिकली फिट नहीं था, आई कुडंट डिलीवर। और मैंने ये जॉब लिया, मैंने कहा मैं जब ठीक हो जाऊँगा, और जब ठीक हो जाऊँ मीन्स आज मैं ठीक हूँ, तो मुझे अगर मौका मिल जाए तो आई विल डिलीवर अबव द एक्सपेक्टेशंस एवरीबॉडीज जी। कौन सी ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें आपने पहली फिल्म किया था और उस समय किस तरीके का वियर लगा था? देखिए, मुझे आते ही मेलेट में मिले थे काम, मेरी फिल्म बनी थी अधूरा करके, मुकेश जैन की प्रोड्यूस, जो रिलीज़ नहीं, सेंसर भी होगी लेकिन रिलीज़ नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली, आती मिला मेरे मुझे, और भी ऑफर्स थे वो कंप्लीट नहीं हुई, बनी नहीं फिल्में, तो मैंने स्ट्रगल शुरू किया, क्योंकि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स आई। आई मेट अनुराग कश्यप, देन जिन्होंने मुझे 5 में लिया, छोटा बट प्रोमिनेंट, देन ही टुक मी फॉर ब्लैक फ्राइडे, गुलाल वगैरह वगैरह, जैसे और फिल्में मुझे फिर मिली, मैंने निखिल अडवाणी जी के साथ किया, ऋषि कपूर जी को लंदन गया, वहाँ पर मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हुई, वेर आई स्टार्टेड रिकवरिंग, मुझे रिकवरिंग में लगा था कि 5 साल में हो जाएगा, पर 10-15 साल लगे, थोड़ा ज़्यादा लग गया टाइम, बट मैंने रिकवर कर लिया अपने आप, उस लेवल पे लेके आया हूँ कि इंडस्ट्री आई होप दे विल गिव मी चांस एंड आई विल प्रूव इट। सर आखिरी सवाल आपसे, वो कौन सी फिल्म है जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद किए कि हमने इसमें एक अच्छा काम किया? देखिए, मैं सबसे बड़ा काम हुआ था ब्लैक फ्राइडे, जिसमें कमिश्नर सांबरा प्ले किया मैंने, अनुराग कश्यप की। दूसरा था जब मैं ऋषि कपूर जी का लंदन का MP ऋषि कपूर जी का राइटिंग था, वो भी अच्छा चैलेंजिंग था। और फिर गिरीश मलिक का जल में लंगड़ा मुखिया, गांव का मुखिया, वो किया। फिर किंग का कैरेक्टर योरबिन, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, उसमें किंग का कैरेक्टर था, तो थोड़ा फ्लर्ट होता है, रूम के साथ फ्लर्ट करता है, क्योंकि उनका लेवल ही अलग होता है काम करने का, तो सिस्टम डिसिप्लिन एंड ऑल दैट बहुत अच्छा है। ऐसे तेलुगु भी की, तमिल भी की, छोटे कैरेक्टर प्रोमिनेंट ही किए मैंने, और अपने अपने एक्सपीरियंस रहे हैं, अच्छे बैलेंस में किया है, तो दैट वॉज बहुत कुछ है। मतलब सर आखिरी सवाल ये है कि क्या फिर से आप पर्दे पर आना चाहेंगे, क्या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? थ्रू मैं यही बोलना चाह रहा हूँ मीडिया के थ्रू, कि मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि सर मैं जो भी मेरे पुराने प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैंने काम किया, सर सभी सिद्धू इज रेडी टू कम बैक, मुझे मौका दें और देखिए सर मैं आपके अबव द एक्सपेक्टेंसेस नहीं हूँ, तो जो बोले हार है।